गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा था कि आज का टॉपिक क्या है, कि मतलब हम लोग जॉब करते हैं छोटे पोस्ट पे तो ये रिस्पेक्ट मिलती है नहीं है। एक भाई मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर रहा था आज से 3-4 दिन पहले, और वो मन में आ गया मेरे थॉट कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। कि वो बोल रहा था कि भाई ये रिस्पेक्ट वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ बट चाह रहा हूँ इसके साथ साथ थोड़ा कोई वर्क कर लूँ, एक्सपीरियंस भी आ जाए ताकि इन फ्यूचर हमें हेल्प हो जाए उससे, पर इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है क्या भैया, ऐसा बताओ, इसके बारे में वो जानना चाहते थे। तो बोले थे उनको, तो वहाँ हम सबको जवाब दे दिए। बट सोचिए आप लोगों के भी मन में आते होंगे थॉट्स कि भाई मेरे अंदर कम नॉलेज है, मतलब मैं तो बिल्कुल समझ लो ना ही पढ़े लिखे के बराबर में आता हूँ, या फिर मैं 8वीं पास हूँ 10वीं पास हूँ और मैं कहीं जॉब करता हूँ, जैसे कि मॉल में मैं जॉब करता हूँ या कॉल सेंटर में मैं जॉब करता हूँ या कहीं भी ऑफिस वर्क करता हूँ, तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं, या फिर वैसे ही वैल्यू मिलेगा जो हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है वैसा ही वैल्यू मिलेगा क्या? तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, मेरा एक ब्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उस पर भी सपोर्ट बनाइए, और एक शॉर्ट्स का चैनल है जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स। आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यही जॉब्स के बारे में। तो देखिए ब्रदर, स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था कि भाई छोटे पोस्ट की तो वैल्यू नहीं होती होगी, उसको तो हे के दृष्टि से देखा जाता होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले आपके अंदर कि ये डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए ब्रदर, एग्जांपल लीजिए, सबसे पहले मॉल में ही चलते हैं। तो जब मैं मॉल में जॉब कर रहा था, इसमें अमेरिकन चिलीज़ में जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे भी नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते थे। जैसे कुछ लोगों का काम था वहाँ सफाई का, तो कुछ लोगों का बर्तन धोने का, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाने का, प्लेट उठा करके ले जाने का, ये सब भी पोस्ट पे वो सब जॉब कर रहे थे बहुत लोग। तो हम भी सोचते थे कि उनको इज्जत क्या देना, बट ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप कहीं भी जॉब करते हो ना, सीनियर कहना पड़ता है। मेरे ही डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ मैं, जब मैं कैशियर था चिलीज़ में, तो मेरे से जो जूनियर रहता था ना, उनको भी सीनियर कहना पड़ता है जी। मतलब हर किसी का रिस्पेक्ट एक बराबर है, चाहे तुमसे जूनियर ही क्यों ना भाई, उन्हें आप सीनियर कह के बुलाओगे, सीनियर ये सर, सीनियर वो काम है, सीनियर वही, सीनियर इधर सुनना जरा, सीनियर ये काम था, मतलब या तो सर का हो या सीनियर का हो, आप उसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसे डिमोटिवेट करोगे, ये कोई राइट्स नहीं है आपको। आपका जो सीनियर है वो भी आपको सीनियर कह के बुलाते थे। जब मैं वहाँ काम करता था तो मेरे से सीनियर थे सन्नी सर, जो कि मुझे हायर किए थे जॉब के लिए, तो वो भी मुझे सीनियर ही कहते थे। तो ऐसा है भाई, सबसे पहले डाउट्स हटा दो कि आप अगर जो है सोचते हो कि मैं मॉल वगैरह या कहीं भी जॉब करता हूँ तो हमारे को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। हाँ ये हो सकता है जो वहाँ, जैसे कि मॉल में ही मैं बात कर रहा हूँ, खाने वाला डिपार्टमेंट में जब मैं कर रहा था, तो कोई खाने पीने आया, हो सकता है वो आपको रिस्पेक्ट ना दे, ये मैं मान सकता हूँ, बट जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा भाई। देखो दूसरे पर डिपेंड है, जैसे हम किसी होटल में कुछ खाने पीने गए, वो तो आपके ऊपर है ना, आपको उसको रिस्पेक्ट देना या नहीं देना उसके स्टाफ को, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बता अगर जो आप वहाँ जॉब कर रहे हो और आपके नीचे भी कुछ लोग हैं, तो वो बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। हर कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है कंपनी में, सब भाईचारा बना के रखता है, भाईचारा ऑन टॉप ऐसे है भाई, ठीक है। तो ऐसा मत सोचे ना। हाँ वही मैं बता रहा था कि जैसे कस्टमर लोग आए खाने के लिए, वो सब को आपने जैसे कुछ बोला और वो काम नहीं कर पाए, तो वो सब सुना देगा, लेक्चर वगैरह दे देगा, बट ये सोचोगे आपका सीनियर आपको जो मन में ऐसे बोल देगा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन हाँ अगर जो आप गलत कुछ करते हो तो भाई कोई भी सुनाएगा यार, सीनियर रहे जूनियर रहे कोई भी आपको सुना सकता है भाई, बिकॉज आप अगर जो सही काम नहीं करोगे तो कोई भी सुनाएगा भाई। तो सब काम का गेम है, अगर जो आप काम सही से करते हो बिल्कुल रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगी भाई, सैलरी भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, सब आपके ऊपर है। अगर जो आप सब कुछ सही काम कर रहे हो A to Z कर रहे हो, तो कोई क्यों आपको सुनाएगा भाई, लेकिन जब गलती करोगे तो सुनाएगा। लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं, जैसे हम भी जब जॉब करते थे तो एक दो थे जो खुद को कुछ ज़्यादा ही जो समझते हैं, वो थोड़ा बहुत तुम्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, भाई ये कर भाई वो कर, मतलब थोड़ा सा तुम्हें भाई गिल्ट फील करा देगा। बट ऐसा नहीं है आपके सीनियर ऐसा करा सकते, बिल्कुल भी नहीं भाई, जो आपको हायर किए हैं। आप एक बार उनके आगे कंप्लेंट डाल दोगे ना कि मेरे से मिसबिहेव कर रहा है, भाई उसको जॉब से फायर कर देगा, गेम बजा देगा उसका। इसलिए मत सोचिएगा, आपकी वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू है भाई, चाहे आप वहाँ सफाई ही क्यों ना करते हो, आपकी वैल्यू है भाई, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, बिल्कुल आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये आप अपने अंदर से निगेटिविटी हटा दो कि जैसे हम जूनियर पोस्ट पे जॉब करते हैं, बाथरूम क्लीनिंग कर रहे हैं, या फिर सीढ़ी वगैरह का क्लीनिंग कर रहे हैं जो एक्सेलेटर चलता है, या फिर हम वहीं फर्श क्लीनिंग कर रहे हैं मॉल में, तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट है भाई। वो सामने वाला अगर जो रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टेड पर्सन है सामने वाला, तो आपको ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। जिसके पास खुद का इज्जत नहीं, वो आपको खास इज्जत देगा, ऐसे समझ सकते हो। कुछ लोग होते हैं चूतिया होते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ भाई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी। एक ही दो ऐसे निकलेंगे आपको नमूने जो कि आपको बुरा फील करा सकता है, बाकी सब बिल्कुल बढ़िया रहेगा। जो खाने पीने आता वो तो और अच्छे लोग रहते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, ठीक है। जहाँ तक बिगड़ने का चांस है, आप सीनियर या जूनियर ही थोड़ा सा बन सकता है अगर आपके सामने। बट जैसे कि कोई खाने आया रेस्टोरेंट में, मैं भी उस टाइम था भाई, एकदम बहुत बढ़िया वो वैल्यू देते हैं, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं। लेकिन जो आपके सीनियर है वही सब थोड़ा सा अधिक करते हैं, बिकॉज जैसे सबको चाहिए होता है भाई टिप, ठीक है। तो टिप वगैरह वो देते हैं तो तुरंत कोई और पहुंच जाएगा, ओ भाई इधर इधर, मतलब समझ रहे हो ना, शेयरिंग करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसा हो सकता। बट आप ये सोचोगे कि आपको इज्जत ना मिले, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आप लोगों को सोचे, आपकी डाउट्स को दूर कर दे कि आप लोग में से बहुत लोग रहते हैं गाँव वगैरह में, या सोच रहे हो मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं पढ़ाई भी करूँगा और पढ़ाई के साथ साथ कोई मैं काम भी करूँगा, तो उसके साथ साथ अगर जो आप काम करते हो तो आपको कोई डीमोटिवेट कर देगा, तो ऐसा नहीं है भाई, सब आपके ऊपर। अब गलती करोगे तो भाई कोई भी सुनाएगा, ये जान लीजिए। अगर जो आप अच्छे हो तो आपको कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, कुछ लोग जूनियर ही इतना अति होता है ना, खुद को कभी कभी मालिक समझता है। देखो याद आ रहा है मुझे, अस्पार की कहानी बता रहा हूँ। जब मैं अस्पार जॉब करता था, एक जूनियर था मेरे से, झाड़ू पोछा लगाता था। तो क्या हुआ था मेरे से कि कुछ पेपर वगैरह गिर गया था, ठीक है, गंदा हो गया था एक जगह। भाई वो मेरे सीनियर को बोल रहा है, क्या बंदा ये, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो यहाँ गंद बचा दिया। भाई उस दिन मेरे को बुरा लगा था, मैंने उस दिन सुना भी दिया कि भाई तेरा काम है सफाई करने का, तू सफाई कर, गंद मचेगा तभी तो तू सफाई करेगा, तेरे को हायर किस लिए किया गया, तू काम कर अपना। भाई उस दिन मैंने बहुत सुना दिया था। भाई किसी को भी बुरा लगेगा यार, आप लोगों को भी बुरा लगता है अगर जो आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो। तो भाई देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देने के बाद वो जॉब करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल हम जवाब दे दो, करारा जवाब दो, ताकि सामने वाला पर्सन को भी लगे हाँ कोई बंदा जवाब दिया। भाई कोई बोल कैसे देगा यार, बिना गलती का, भाई गिर गया मैं उठा रहा हूँ उसे, भाई मिस्टेक गिर गया, तो ऊपर से वो आकर के ज्ञान दे रहा, तेरा काम ही गया। सीधी सी भाई, अगर जो आप सफाई कर रहे हो तो वो काम करो आप। अब गंद मच रहा है तो भाई उसी के लिए तो आपको बुलाया गया है ना, कि कोई गंदा कर रहा है तो उसको आप सफाई करो। भाई वही मेरे को ज्ञान दे रहा था कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मेरे सीनियर को ही बोले जा रहा है। तो भाई उस दिन बहुत बुरा लगा था और मैंने सुना भी दिया था उसको। तो हाँ, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन वही होते हैं जिसके अंदर शिक्षा की कमी होती है, वही थोड़ा खुद को सीनियर समझ जाते। वो खुद नहीं देख रहा कि हम झाड़ू बाड़ू लगा रहे हैं और ये बंदा सीनियर है, यहाँ पे मेरे से ऊपर है, फिर भी उसे लेक्चर दिया जा रहा। कभी कभी देखो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, जैसे जूनियर होकर के सीनियर का गेम बजा दिया ना, बजा दिया कि नहीं। तो हाँ होता है, मानता हूँ मेरी भी गलती है भाई, भाई मिस्टेक गिरा, बट मैं उसे उठा रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही छोड़ दिया। बिकॉज मैं उस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है भाई ये कोई क्लीन करता है, इतना मेहनत से हटा देता हूँ मैं खुद से, मैं कर रहा हूँ, फिर भी अगर के वो ज्ञान दिया। तो कभी कभी होता है जो शिक्षा का अभाव, वही क्या बोलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारी हो जाती है। अदगल गगरी छलकत जाए, कहावत सुने हैं ना, जैसे खाली बर्तन ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं, अब समझ पा रहे हो वही है। तो जस्ट लाइक दैट समझ सकते हैं, और बाकी इसे इग्नोर ही करिए। और लेकिन मौका मिले आपको कोई ज़्यादा ओवर अब सुना रहा है बिना गलती के, सुनाने में देर मत करो भाई, चाहे जॉब छूट जाए, बट हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जॉब आपको दूसरी भी मिल जाएगी। बट एक बार अगर जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया भाई, आप कहीं भी नहीं रहोगे, आप खुद से शर्मिंदा रहोगे। जब जब उसके सामने जाओगे आप हर्ट हो जाओगे कि भाई इसने मेरे को बेइज्जत किया था, इसने ऐसे किया था वैसे किया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे समझ से सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको, जॉब से भी ऊपर। जॉब जाए तो जाए, दूसरी जॉब आ जाएगी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जॉब करते हो भाई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। नहीं काम हो रहा है सही तो क्या है भाई, करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। सीधी सी बात है, जैसे कॉल सेंटर में भी होता है कि आप सही काम नहीं करते हो तो सुना देते हैं सीनियर। तो देखो उनका काम ही पहले ही बता देते हैं, भैया हमारे को चाहिए जी कस्टमर, कस्टमर नहीं आएंगे तो आपकी सैलरी कटेगी, और वो नहीं चाहते आपकी सैलरी कटे, और आपका ही नहीं कटेगी उसका भी सैलरी कट जाता है थोड़ा बहुत, कि आप टीम लीडर हो आपका भी कटेगा, बिकॉज आपके कस्टमर ने सही अर्निंग ही नहीं किया। जैसे आप जिस जिस को लीड कर रहे हो वो पैसा कमाएगा, तभी ना टीम लीडर को TL को मिलेगा। जैसे हम लोग टैक्स भरेंगे तभी ना, जो गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं ऊपर सीनियर है, प्रधानमंत्री हो गया या और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे टैक्स से ना सरकार को पैसा मिलती है। तो हम टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं। जस्ट लाइक दैट टीम लीड जो करते हैं, TL जो होते हैं, वो हमारे पे ही डिपेंड है, हम काम करेंगे तभी को पैसा मिलेगा। इसलिए वो बहुत बार सुना देते हैं, तो आप भी सुना दिया करो भाई, काम कर ही रहा हूँ और बाकी जैसा आपको सही लगे। बट ये सोचे हो कि इज्जत नहीं मिलेगी तो ये गलत बात है, बिल्कुल सबको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। बाकी चलिए इस वीडियो यहीं रोकते हैं, देखकर कैसा लगा बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और अच्छा लगा तो शेयर करो, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे भाई।